गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा टाक रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस क्लास में आज आप लोगों को ऐतिहासिक पद्धति के बारे में पढ़ाऊंगी। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक में जो मेजर टॉपिक्स हैं वो लगभग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक पद्धति की। ऐतिहासिक पद्धति अतीत की सहायता से वर्तमान को समझने की विधि को ही ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जिसका भूतकाल से किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो। अर्थात प्रत्येक समस्या की जड़ें भूत में विद्यमान होती हैं, इसलिए किसी भी समस्या के कारणों को उचित ढंग से समझना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके भूतकाल के कारणों, परिणामों, प्रभावों आदि का उचित ढंग से अध्ययन किया जाए। ऐसी प्रणाली जिसमें वर्तमान समस्या को हल करने के लिए वर्तमान के साथ साथ भूतकाल के आंकड़ों को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। ऐतिहासिक पद्धति को समझने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इतिहास क्या है, उसे कैसे समझा जाए। तो इतिहास केवल घटनाओं का एक अव्यवस्थित क्रम नहीं है, बल्कि इतिहास घटनाओं का एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध व परिणात्मक लेखा जोखा है, जो कि हमें आगे के अध्ययन के लिए तैयार करता है। यदि ऐतिहासिक सामग्री की विशिष्टताओं को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि इतिहास के आंकड़े सत्य, प्रमाणित, अपरिवर्तनीय होते हैं और विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। भूतकालीन आंकड़े वर्तमान घटनाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। ऐतिहासिक आंकड़े लिखित स्रोत होने के कारण इनके विश्लेषण में व्यक्तिनिष्ठता अर्थात पक्षपात की संभावना रहती है, जबकि अनुसंधानकर्ता को ध्यानपूर्वक तथ्यों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना चाहिए। मतलब उसमें उसके स्वयं का जो व्यक्तिनिष्ठता का पुट है वो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। विज्ञान वर्तमान को आधार बनाकर भविष्यवाणी करता है, किंतु इतिहास में वर्तमान के आधार पर भूतकाल का विश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार अतीत की सहायता से हम जो वर्तमान का समझने की कोशिश करते हैं वही ऐतिहासिक पद्धति होती है। इसकी जो परिभाषा है उसके संबंध में विद्वानों में मतलब अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी इसकी परिभाषाएँ देने का प्रयास किया है। राइट ने कहा है, इतिहास पुनर्निर्माण की उस विधि का जिसमें कि वास्तविक रूप में घटनाएं घटी है अध्ययन करता है, और उन घटनाओं का मनुष्य जाति की कहानी में क्या महत्व है इसका मूल्यांकन करने का प्रयत्न करता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार ऐतिहासिक पद्धति वह विधि है जिसमें कि वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को भूतकाल में घटित हुई घटनाओं के धारा प्रवाह व क्रमिक विकास को एक कड़ी के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान तथा भविष्य से होता है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसका संबंध भूतकाल से होता है, और भूतकाल में मतलब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास क्या होता है, ये कहा जाता है कि अतीत की समस्त घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। तो अतीत में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं को घटित होने के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर विद्यमान रहा है, और जब कोई ना कोई कारण विद्यमान रहा है तो उसकी मतलब उस घटना और कारणों के बीच में संबंधों का पता लगाना और इतिहास में जो वर्णन हमें मिलता है उस वर्णन के आधार पर अध्ययन करने को ऐतिहासिक पद्धति कहा जाता है। अब हम ऐतिहासिक पद्धति की अनिवार्य विशेष आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है इसमें सामाजिक अंतर्दृष्टि। सामाजिक अंतर्दृष्टि से तात्पर्य है कि कोई घटना जिस प्रकार देश काल में जिस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर्यावरण में घटित हुई है उसे उसके अनुसार समझकर अध्ययन करना। यदि घटना को उसके वास्तविक पर्यावरण में नहीं समझा जाता है तो उसका सही अध्ययन संभव नहीं किया जा सकता।
इसी तरह सामाजिक अंतर्दृष्टि पैदा करके ही विभिन्न घटनाओं का सही अध्ययन किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं ऐतिहासिक अभिस्थापन की। किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके कार्य-कारण संबंधों को उचित रूप में समझा जाए, अर्थात वह घटना क्यों, कब और कैसे घटित हुई, और अनुसंधानकर्ता को इसकी जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। अन्यथा अतीत को संदर्भ मानकर वर्तमान का विश्लेषण किया जाना संभव नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण की। इस पद्धति को काम में लेने के लिए यह जरूरी है कि विश्लेषण के साथ समन्वय की नीति को भी अपनाया जाए। इतिहास की घटनाओं का विश्लेषण करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वर्तमान की घटनाओं के साथ उनका समन्वय स्थापित किया जाए, तभी अनुसंधानकर्ता के द्वारा बेहतर निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन की। विज्ञान में कोई वस्तु या घटना वास्तव में जैसी है इसका अध्ययन किया जाता है, मतलब अध्ययन में यथार्थता या वास्तविकता का गुण आना बहुत जरूरी होता है, तभी वैज्ञानिक पद्धति से ऐतिहासिक आंकड़ों का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें विश्वसनीय तथा संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाना आवश्यक होता है। ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी में काफ़ी सूचनाएं ऐसी भी होती है जो हमारे काम की नहीं होती। ऐतिहासिक पद्धति में वैज्ञानिक आधार पर कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि इन सूचनाओं में से केवल ऐसी सूचनाओं का हम अध्ययन के लिए चुनाव करें जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। साथ ही विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त तथ्यों को ही संकलित किया जाना चाहिए। कार्य के सामान्य क्षेत्र से परिचित होना, मतलब जो शोधकर्ता है उस शोधकर्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस प्रकार के तथ्यों का संकलन करना है। उसे पहले किए गए अध्ययन कार्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता को उसके अध्ययन विषय के क्षेत्र के बारे में सही सही स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। अतः अनुसंधानकर्ता की शैक्षिक योग्यता अच्छी हो और वह स्वयं इतिहास से संबंधित जानकारी रखता हो। व्यक्तिगत सीमाओं के संबंध में जागरूकता। प्रत्येक अध्ययन में अध्ययनकर्ता के लिए कुछ ना कुछ सीमाएं अवश्य होती है और अनुसंधानकर्ता को यह मानकर चलना चाहिए कि उसने अभी बहुत थोड़ा प्राप्त किया है और उसे अपने अध्ययन को पूरा करने के लिए और अधिक तथ्यों का संकलन करना है। ये आवश्यक नहीं है कि वह सूचना के प्रत्येक स्रोत तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी अध्ययनकर्ता को, अनुसंधानकर्ता को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह जिन तथ्यों का संकलन कर रहा है उन तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करें। इसके साथ प्रचुर कल्पना शक्ति की बात की जाती है। इस पद्धति को प्रयोग में लाने के लिए प्रचुर कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। केवल तथ्यों के संकलन से अध्ययनकर्ता का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, बल्कि यह जरूरी है कि कल्पना शक्ति के आधार पर तथ्यों के आंतरिक अर्थों व उनकी परिस्थितियों का समझने का प्रयत्न किया जाए। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्याओं की, कि ऐतिहासिक अनुसंधान करते वक्त एक शोधकर्ता को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहली बात होती है उपयुक्त समस्या का चयन। ऐतिहासिक अनुसंधान करने के लिए समस्या का चुनाव भी सोच समझ कर करना पड़ता है। ऐसी समस्या का चयन किया जाता है जिसके बारे में उपयुक्त पर्याप्त तथ्य एकत्रित हो जाए, जिससे अनुसंधान संभव हो सके। साथ ही समस्या की सीमाएं तय किया जाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। उपयुक्त परिकल्पना निर्माण, मतलब शोध में हम सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं, उसके बाद उससे संबंधित परिकल्पना या उपकल्पना का निर्माण करते हैं, और उपकल्पना के निर्माण के बाद में विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों के माध्यम से तथ्यों का संग्रह करते हैं। तो उपयुक्त परिकल्पना के निर्माण में भी अत्यंत कठिनाई उत्पन्न होती है जब परिकल्पना, क्योंकि परिकल्पना ही समस्त अनुसंधान की आधारशिला होती है, और अगर शोधकर्ता ने उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण नहीं किया है तो सही अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता है।
आंकड़ों का संग्रह व विश्लेषण। चूंकि अनुसंधानकर्ता उस घटना के घटित होने के समय स्वयं वहां उपस्थित नहीं होता, अतः उस घटना के तथ्यों की विश्वसनीयता, उसका विश्लेषण सभी बहुत मुश्किल होते हैं, और अनुसंधानकर्ता में पर्याप्त कल्पना शक्ति, सूझबूझ एवं धैर्य की आवश्यकता होती है, जिससे कि तथ्यों का सही विश्लेषण व एकत्रीकरण किया जा सके। अनुसंधानकर्ता कभी कभी तथ्यों का विश्लेषण करते समय उस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिससे सही निष्कर्ष की संभावना नहीं रहती। तो अनुसंधानकर्ता को यह चाहिए कि तत्कालीन समय की राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखे और उसके आधार पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाए। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के स्रोत की। तो ऐतिहासिक तथ्यों को, मतलब ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन करने के लिए तथ्यों का उचित संग्रह किया जाना आवश्यक है। विश्वसनीय तथ्य एकत्रित किए जाएं, जिससे कि शुद्ध परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इसके लिए इतिहासकार की पहुंच में आने वाले प्रलेख व ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। सांस्कृतिक इतिहास तथा विश्लेषणात्मक इतिहास की सामग्री को प्रयोग किया जा सकता है। विश्वसनीय निरीक्षकों की व्यक्तिगत सूचनाओं को भी अपने अध्ययन में शामिल किया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने तथ्य संकलन के स्रोतों का विभाजन निम्न प्रकार किया है। पहला इसमें है प्राथमिक साधन। ये वे साधन होते हैं जो घटना से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, जैसे ऐतिहासिक प्रदर्शित सूचनाएं, लाइक लिखित साधन जिसमें हम जीवनी, शिलालेख, कथा, वंशावलियाँ आदि को रख सकते हैं, मौखिक परंपरा जैसे गाथाएं, कहानियां आदि, और कलात्मक प्रदर्शनी जैसे ऐतिहासिक चित्र, मूर्तियां, सिक्के, इनको भी हम क्या मान सकते हैं, अपने अध्ययन के लिए तथ्य संकलन का स्रोत मान सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अवशेष या अचेतन प्रमाण पत्र, जैसे मानव अवशेष, भवन, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र व ललित कलाएँ आदि, इनसे घटना के बारे में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीयक साधनों की जब बात करते हैं तो द्वितीय साधन वे होते हैं जिनका घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मौखिक या लिखित रूप में सूचनाएं देते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें दूसरे व्यक्तियों के विचारों का हस्तक्षेप आ जाता है और तथ्य अपने सही रूप में व्यक्त नहीं हो पाते। ऐतिहासिक आंकड़ों के साधनों का संग्रह व प्रयोग। आंकड़ों का संग्रह करने के बाद इनके प्रयोग हेतु परामर्श करना चाहिए। इसके लिए तथ्यों का उपयुक्त वर्गीकरण करना होगा तथा आंकड़ों को तालिका के अनुरूप सुव्यवस्थित करना होगा। आंकड़ों का मूल्यांकन। वर्गीकरण के पश्चात आंकड़ों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है कि यदि आंकड़े सत्य हैं तो उनके सहारे लिखा गया इतिहास भी सत्य होगा। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग में जो सावधानियां बरती जाती है और इसके प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम अनुसंधान समस्या का चुनाव करना होता है और उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि समस्या के बारे में स्रोतों से तथ्य एकत्रित हो पाएंगे या नहीं तथा उस घटना का ऐतिहासिक अध्ययन संभव होगा या नहीं। इसीलिए ऐसी समस्या का चयन किया जाना चाहिए जो एक निश्चित समय में सही तरह से अध्ययन जिसका किया जा सके, उसके बारे में निष्कर्ष निकाले जा सके। तो अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अध्ययन के विषय को अनुसंधानकर्ता की रुचि व योग्यता के अनुसार तय किया जाना चाहिए। यदि विषय अनुसंधानकर्ता की रुचि का होगा तो वह बहुत जल्दी और बहुत आसानी से तथ्यों का संकलन और विश्लेषण कर पाएगा, अन्यथा नहीं। अध्ययन के विषय के संबंध में यदि अनुसंधानकर्ता को पूर्व ज्ञान हो तो यह अध्ययन को सुनिश्चित ढंग से आयोजित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। अनुसंधानकर्ताओं को सदैव नवीन तथा असंबद्ध विषयों को चुनने की प्रवृत्ति को छोड़कर संबद्ध विषयों को चुनना चाहिए ताकि यह अनुसंधान में फायदेमंद साबित हो सके। अध्ययन विषय यद्यपि विस्तृत होना चाहिए, लेकिन इतना विस्तृत भी नहीं होना चाहिए कि उसके बारे में तथ्यों का संग्रहण किया जाना संभव ना हो और शोध को बीच में ही बंद करना पड़े।
किसी भी शोध का विषय चुनने से पूर्व यह भी देख लेना चाहिए कि उस विषय का चुनाव करने से ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो सकेगी, मतलब अध्ययन की व्यवहारिक उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाना अति आवश्यक होता है। किसी भी अध्ययन को सफल बनाने के लिए गूढ़ ऐतिहासिक तथ्यों तक पहुँचने की आवश्यकता होती है और इन तथ्यों तक पहुँचने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि इस पद्धति को प्रयोग में लाने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि इस पर अनुसंधानकर्ता कितना धन व्यय कर सकता है। अगर ऐसा उसके पास धन नहीं है तो हो सकता है उसे अपने अध्ययन को बीच में ही खत्म करना पड़े। किसी भी अनुसंधान कार्य को पूरा करने के लिए जो अगला चरण होता है वह होता है तथ्यों का संकलन। लेकिन ऐतिहासिक पद्धति से अनुसंधान करते समय तथ्यों का संकलन करना बहुत ही टफ टास्क होता है और इसमें तथ्यों के संकलन के लिए जो स्रोत होते हैं पुराने ऐतिहासिक तथ्य हजारों ग्रंथों रचनाओं दस्तावेजों में होते हैं। अब हमें या अनुसंधानकर्ता को यह पता लगाना होता है कि कहाँ से तथ्य एकत्रित करने हैं, कि तथ्य एकत्रित करने के लिए उचित स्रोतों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाना है। तथ्य संकलन का स्रोतों का निर्धारण करने के बाद यह देखना होता है कि तथ्य संकलन के अधिकांश स्रोत सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं। सरकारी स्रोतों से प्राप्त तथ्य अधिक विश्वसनीय और कम खर्चीले होते हैं तथा आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि तथ्य संकलन का कार्य बहुत कठिन है किंतु पूर्व अध्ययनों को विषय में जानकारी प्राप्त करने से यह कार्य सरल हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, विषय से संबंधित सभी तथ्यों का संकलन समय व धन की दृष्टि से संभव नहीं है, इसीलिए शोधकर्ता को ये चाहिए कि अपने अध्ययन विषय से अपनी अध्ययन समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं उनको पहले एकत्रित करें। ऐतिहासिक तथ्य अधिकतर वर्णनात्मक तथा गुणात्मक प्रकृति के होते हैं और इन तथ्यों का संग्रह करने के पश्चात इनके वर्गीकरण व संगठन का स्तर होता है। इन तथ्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वर्गीकृत तथ्य अलग अलग श्रेणियों में स्पष्ट हो जाए और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सके। अध्ययन का सबसे अंतिम स्तर तथ्यों की विश्लेषण व व्याख्या का आता है। यदि व्यक्ति वस्तुनिष्ठता से अध्ययन करता है तो यह उसके अनुसंधान के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन की पहली मांग ही वस्तुनिष्ठ विश्लेषण व व्याख्या है। यद्यपि ऐतिहासिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना बहुत कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं है, तो पूर्वाग्रहों पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से स्वयं को बचाते हुए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह यथार्थ निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। अब हम ऐतिहासिक पद्धति के महत्व की बात करते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य ठीक वैसा नहीं होता है जैसा हम उसे देख रहे हैं। प्रत्येक तथ्य में समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आता है और ऐतिहासिक पद्धति को प्रयोग करके हम किसी घटना के ऐतिहासिक विकास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो अन्य किसी पद्धति से संभव नहीं होता। समाज एक निरंतर गतिशील अवधारणा है और इसमें धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जब समाज में व्याप्त संस्थाओं एवं परिस्थितियों में परिवर्तन आता है तो समाज के संगठन व इसके निर्माणक इकाइयों में भी परिवर्तन आता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ऐतिहासिक पद्धति को उपयोग में लाकर ही अच्छे व उचित ढंग से समझा जा सकता है। अतीत मनुष्य की जीवन की पूंजी होती है और अतीत से ही मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। अतीत में पाए जाने वाले रीति रिवाजों प्रथाओं परंपराओं आदि का काफ़ी प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे होता है और किसी भी समाज का जितना ऐतिहासिक विकास लंबा होगा उस समाज के वर्तमान पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। ऐतिहासिक पद्धति केवल यही नहीं समझाती कि अतीत का महत्व क्या है अपितु यह वर्तमान में पाई जाने वाली सही स्थिति का भी वर्णन करती है, क्योंकि अतीत से ही वर्तमान का विकास होता है। वर्तमान पर अतीत के प्रभाव को कोई भी नहीं नकार सकता। किसी परिवार में जिस तरह माँ बाप के संस्कार होंगे उनके बच्चों के संस्कार भी वैसे ही होंगे और इसी प्रकार यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक समाज में कोई ना कोई सामाजिक शक्ति
अथवा संगठन अवश्य होता है। ऐतिहासिक पद्धति से इस शक्ति या संगठन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार अतीत के अध्ययन के महत्व को व्यक्त करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन फिर भी निष्कर्ष रूप में इतिहासकार आर्थर श्लेसिंगर ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी सामाजिक वैज्ञानिक अतीत के लंबे हाथ की बुद्धिमत्ता पूर्वक अवहेलना नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पद्धति की सीमाओं की। ऐतिहासिक पद्धति विश्वसनीय व पर्याप्त तथ्यों के संकलन में कठिनाई होती है इसमें, क्योंकि प्राचीन तथ्यों को प्राप्त करना, ढूंढना, उसके बारे में पता लगाना ये बहुत मुश्किल कार्य होता है। रिकॉर्ड रखने के दोषपूर्ण तरीके। अतीत को वर्तमान की कुंजी तो कहा जाता है, लेकिन उनको ठीक से संभाल के व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा जाता। सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में यद्यपि अनेक ऐतिहासिक प्रलेख अनुसंधानकर्ता को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वे पूर्ण रूप से क्रमबद्ध और व्यवस्थित होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके लिए अनुसंधानकर्ता को बहुत सारे तथ्यों में से अपने काम के तथ्यों को चुनकर उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करना आवश्यक होता है। प्रलेखों का बिखराव। किसी भी विषय या घटना के संबंध में सभी तथ्य एक साथ एकत्रित किए हुए नहीं मिलते हैं। कुछ तथ्य एक संस्थान में तो कुछ अन्य जगहों पर मिलते हैं। इस प्रकार बिखरे हुए प्रलेखों में से अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तथ्यों या घटनाओं की परीक्षा व पुनरावृत्ति संभव नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति में तो पुनरावृत्ति की भी जा सकती है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि वही परिस्थितियां, वही काल और वही घटनाएं दोबारा घटित हो और अनुसंधानकर्ता उनको देख समझ सके। गणना व माप संभव नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य गुणात्मक व वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनसे प्राप्त निष्कर्षों में व्यक्तिनिष्ठता व पक्षपात की संभावना रहती है। इसीलिए इससे वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी हर पद्धति के अपने गुण व दोष होते हैं और सभी अपनी जगह कंप्लीट नहीं होती है। ऐतिहासिक पद्धति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अन्य पद्धतियों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ होता है जो यथार्थता के समीप तक पहुंचने का प्रयत्न तो करता है किंतु यथार्थता के बिल्कुल निकट नहीं पहुँच पाता है। परिणामतः है ऐतिहासिक पद्धति का महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि ऐतिहासिक पद्धति का अपना अलग महत्व होता है। ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से हम अपने पुराने रीति रिवाज संस्कारों के बारे में जान सकते हैं, जो हमें कहीं भी नहीं मिले वो हम इतिहास में ढूंढ सकते हैं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरव में इतिहास के बारे में समझा सकते हैं। और ऐतिहासिक घटनाओं में किस तरीके से घटनाएं आगे बढ़ती है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, समाधान किया जाता है, इन सारी घटनाओं की जानकारी ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम तुलना करें तो शायद इसका महत्व हमें कम लगेगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो ऐतिहासिक पद्धति का अपना अलग महत्व है जो वास्तव में अनुसंधान के लिए और अनुसंधानकर्ता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। धन्यवाद।